रॉयल की 70cc फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल, जिसकी रग रग में है वही पायदारी और मयार जो आप बरसों से डीवाईएल हर मोटरसाइकिल में आजमाते आए हैं। डीवाईएल YD70 पुर्जे पुर्जे से बना एक शाहकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप तमाम दोस्तों का टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपने DYL के न्यू मॉडल 2022 के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट हेडलाइट पे आ जाते हैं जो कि स्टेनले की यूज़ हो रही है। एटलस वाले भी स्टेनले का ही जोन सा है वो हेडलाइट यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर्स आप इसके देख सकते हैं कि नॉन ब्रेकेबल, बहुत ही फ्लेक्सीबल, अच्छी क्वालिटी के इंडिकेटर्स जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं। हेडलाइट के नीचे ही हमें एक हॉर्न दिया जाता है। हॉर्न के साथ हमें इसका खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड जोन सा है फ्रंट लोगो मिल जाता है, मोनोग्राम जिसको हम बोलते हैं। इंडिकेटर्स की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसका क्रोम का काम देखें और फ्रंट हब की आप क्वालिटी चेक करें तो काफ़ी ही अच्छी आपको मालूम होगी। 17 इंच के इसमें रिम आते हैं जिसके ऊपर पैंथर कंपनी का टायर है। स्पोक्स रिम आते हैं इसमें। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो फ्रंट पर हमें ड्रम बेस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि टेलीस्कोपिक शॉक्स के साथ आता है। पेंट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, पेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस भी DYL वालों ने ही करवाई थी। स्प्रे पेंट जो कि पाउडर फॉर्म में आती थी तो ये वहीं पाउडर फॉर्म वाली ही स्प्रे पेंट जोन सी इसमें यूज़ की गई है। इंजन की अगर मैं बात करता चलूँ तो इंजन इसमें 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOH 4-स्पीड फ्रंट फॉरवर्ड गियर ट्रांसमिशन के साथ इसका इंजन आता है जो कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। 78 cm इंजन डिस्प्लेसमेंट है इसकी। इससे इसका ये अंदाज़ा होता है हमें कि अगर इस मोटरसाइकिल को हम 5000 से 6000 RPM तक लेके जाते हैं तो इसकी पेट्रोल एवरेज जोन सी होगी वो 55 से 60 किलोमीटर यानी कि होगी। उसके बाद 6.5 BHP हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है जो कि 5.4 Nm टार्क देता है। बोर की अगर बात करें तो बोर इसमें 47.0 mm का इसमें बोर आता है जो कि आपको तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है। रियर लैंप की अगर बात की जाए तो ब्रेक लैंप काफ़ी खूबसूरत ब्राइट है और इंडिकेटर की ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल बाइक की फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत लगेगी और क्रोम भी इसका काफ़ी ही अच्छी क्वालिटी का इस पर यूज़ किया गया है। फ्रंट और रेयर फेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें LD कंपनी के फ्रंट और रेयर फेंडर इसमें यूज़ किए गए हैं। मीटर के ऊपर इसकी टॉप स्पीड 120 शो होती है हमें। ये रबर की जोन सा है सिर्फ मैंने या होंडा 70 में देखा है या फिर DYL 70 में और चाइनीज़ में नहीं आता। हेडलाइट हाई लो बीम का बटन जोन सा है वो रेड कलर में है जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये जैसे किल स्विच से मिलता जुलता है। तो स्विंग आर्म की अगर मैं बात करूँ तो स्विंग आर्म भी इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जिसको हम लोकल ज़ुबान में चिमटा बोलते हैं इसका। तो बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं और आपको इसका साउंड भी सुनवाते हैं। पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मेरे हिसाब से जिस क्वालिटी में ये बाइक बनाई गई है तो मुझे नहीं लगता कि DYL को अपनी दोबारा से मार्केट को कैप्चर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्वालिटी यही रही तो DYL बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है खान सेंटर शोरूम से और बाइक की कीमत की अगर हम बात करूँ तो 65,000 यून सी है ये अगस्त 2021 की 22 मॉडल की प्राइस है। रिव्यू अगर पसंद आया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।